हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील कांबले, डायबिटीज़ केयर ये चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो जो बात कर रहे हैं वो दो टॉपिक हैं, मिक्सिंग डायबिटीज़। इसमें हम लोग आज दो टॉपिक पे बात करेंगे, टेस्ट के दिन पेशेंट को दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और सेकंड जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थोड़ी डॉक्टर हमने मिठाई खा ली है तो क्या हम एक्स्ट्रा दवाई ले ली। ये दो चीज़ों पे मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सर, हम लोग ये चैनल, ये जो वीडियो है, ये खाली पब्लिक एजुकेशन या नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। ओके, तो पहला टॉपिक है सर कि टेस्ट के दिन हमें दवाई लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। एक बात समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है और टेस्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं। आपके आम जिंदगी में दवाई से या इंसुलिन से आपका शुगर कितना कंट्रोल रह रहा है या उसका दवाई का कितना इफेक्ट हो रहा है, इसके लिए हमें हम लोग चेकअप कर रहे हैं। टेस्ट के दिन कॉमनली पेशेंट क्या करते हैं, पहली बार खाली पेट जाते हैं। हम लोग क्या रिकमेंड है, पहली बार खाली पेट जाइए, शुगर चेक करने के लिए 8 घंटा खाली पेट रहना सफिशियंट है। या 8 घंटे में आप सादा पानी पी सकते, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं। पहली बार जाइए, आप खाली पेट जाके सैंपल देके आइए, घर पे जाइए, अगर नाश्ते के पहले का कोई मेडिसिन है वो ले लीजिए, नाश्ता भरपेट कर लीजिए, नाश्ते के बाद का जो मेडिसिन है वो ले लीजिए, उसके 2 घंटे बाद भी आप चेकअप कर सकते हैं। सेकंड है कि आपको अगर लंच के बाद करना तो आप लंच के बाद भी शुगर चेक कर सकते हैं। क्राइटेरिया वही है कि आपके अगर लंच के पहले कोई मेडिसिन है तो आपको लेके उसके 2 घंटे के बाद आपको चेकअप करना है। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर है कि यस, टेस्ट के दिन आपका जैसा मेडिसिन है वैसा लेके आप उसको आपके टेस्ट करनी चाहिए। सेकंड जो हमें कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर मैंने आज मिठाई खा ली या मैंने आज कुछ मीठा खा लिया तो मैंने एक एक्स्ट्रा गोली ले ली या हमने एक एक्स्ट्रा गोली ले ली, ये एडवाइजेबल है या नहीं एडवाइजेबल है। तो इसका आंसर है सिंपल लैंग्वेज में, पहली बार आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई भी मीठी चीज़ या हो सके तो जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। अभी एक्स्ट्रा दवाई लेनी चाहिए या नहीं, इसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि जो आपने अगर मीठा खा लिया या कुछ एक्स्ट्रा आपके खाने में आ गया तो मीठे खाने से आपकी शुगर डेफिनेटली बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा मेडिसिन या एक्स्ट्रा गोली या एक्स्ट्रा इंसुलिन का डोज ले लिया तो वो एक्स्ट्रा गोली का इफेक्ट आपके बॉडी में 24 घंटे का, कुछ कुछ मेडिसिन का असर 24 घंटे से ज़्यादा भी रह सकता है, किसी किसी इंसुलिन का असर 24 घंटे से ज़्यादा भी रह सकता है। तो ये चीज़ें आपको घातक माने डरावनी भी हो सकती है, शुगर एवरेज के नीचे भी जाने की कोशिश हो सकती है। तो इसका आंसर मैंने जैसे बताया कि यस नहीं, आपको एक्स्ट्रा डोसेस नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप जितना एक्स्ट्रा डोसेस लेते हैं उससे आपके शरीर को नुकसान होने के चांसेस बढ़ते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी एडजस्टमेंट आपके डॉक्टर से आप बैठिए, उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि मैं रिपीट बोल रहा हूँ, डायबिटीज़ का पेशेंट हर एक पेशेंट सेम नहीं होता है, हर एक पेशेंट अलग अलग होता है, उसके अलग अलग डिसीजेस होते हैं। डायबिटीज़ केयर में सब चीज़ पे आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपको आपके किडनी, हार्ट, लीवर, आपके एज, आपके कितना पुराना डायबिटीज, उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन जो हमें कॉमनली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज इसको कवर करने की कोशिश की है मिक्सिंग डायबिटीज़ के हेडिंग के अंडर। आपको अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे जो हमें डे टू डे प्रैक्टिस में हमें मिल रहा है, जो हमें कॉमनली क्वेश्चन पेशेंट पूछ रहे, तो आप ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल खाली पेशेंट एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। थैंक यू।